जाने माने जर्नलिस्ट एके मिश्रा हमारे साथ में है आपसे। एके मिश्रा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमेठी की जनता का अपमान किया है राहुल गांधी ने और वायनाड सीट को चुना है? नहीं देखिए रचना, मैं आपको बताऊं, संवैधानिक तरीके से देखा जाए और इतिहास भी रहा है, कोई अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो कहीं भी दो सीटों से लड़े, भारतवर्ष एक है। आप कन्याकुमारी से लड़ लो श्रीनगर, मतलब जहां जहां लड़ सकते हैं आप लड़िए। सवाल हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं। देखिए है क्या, अभी जो है आप लोगों ने बोला ये रणनीति है कि ये रणनीति है, यानी भाग जाने की नीति है। देखिए फाइट और फ्लाइट थी तो ये कांग्रेस की रणनीति, लेकिन बीजेपी की कुछ अपनी यूएसपी है। कांग्रेस वाले उतने अच्छे तरीके से स्ट्रेटजाइज नहीं कर पाए और परसेप्शन बीजेपी ये बना रही है कि ये डर के भाग गए। रही बात स्मृति ईरानी की, तो भाई उनको तो वरद हस्त है, उनको वो एश्योर्ड है मैं जीतूं या हारूं। वैसे भी वो उस इंडस्ट्री से आती हैं जहां डायलॉग डिलीवरी में आदमी एक्सपर्ट हो जाता है बोलने में। वो पिछली बार भी नहीं जीत पाई थी, अब भी नहीं। देखिए जो कद्दावर नेता होते हैं ना, जैसे राहुल गांधी हो गए, ये सारे लोग, ये कहीं से भी लड़े, जीत इनकी लगभग निश्चित रही है, बहुत कम बारी हारे हैं। मोदी जी कहीं से भी लड़ेंगे, मुलायम सिंह यादव जी कहीं से भी लड़ेंगे, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाली बात है, देखिए चुनाव है क्या, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाली बात है, देखिए चुनाव है क्या, सारे पार्टियों के जो हेड हैं, जैसे अमित शाह जी हो गए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सब हो गए, जो दम भरते हैं कि हमने पार्टी के 300 सांसद जिता दिए, स्पेशली अमित शाह। मैं ये बोलता हूं आप इन लोगों को देखिए जो टॉप लीडर है, ये सबसे डरे हुए होते हैं एक से ज्यादा सीटों पे और सबसे सुरक्षित सीटों पे लड़ते हैं, ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यही एक रीजन है दोनों हाथों में लड्डू रखने की, ये नीति है। कई नीतियां होती हैं अपने आप को देखिए। इसके लिए मैं ये सिंपली बोलूंगा कि राहुल गांधी के लिए ये इमरजेंसी एग्जिट है और अमित शाह जी भी कितने सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं जहां वर्षों तक आडवाणी जी ने मेहनत की है, एकदम पका पकाया फल है। तो राहुल गांधी जी के लिए इमरजेंसी एग्जिट है और अमित शाह जी के लिए ये सेफ लैंडिंग है। मैं अमित शाह जी से भी बोलता हूं, 300-400 लोगों को आप जिता देते हो, साहब आप चाणक्य हो आधुनिक भारतीय राजनीति के, हाँ चाणक्य हो आधुनिक भारतीय राजनीति के, हाँ केरला चले जाइए ना, पिछली बार आप केरला गए थे, एक बार दोबारा गए नहीं, झंडे वहां लोगों ने बीजेपी के पकड़े हैं और जय जय सीपीआईएम के नारे लग रहे हैं, तो वहां पे मैं जाके आप लड़ लीजिए। कोई भी बीजेपी का या कांग्रेस का या कोई भी हो जिसको लगता है, मैं सीट बता देता हूं, जिसको इतना दम्भ है कि हम तो जीतेंगे जी, हम तो पूरे भारतवर्ष का निर्माण कर रहे हैं, बीजेपी वालों को बोलिए, अमित शाह जी को बोलिए आप केरला चले जाए राहुल गांधी गए, या आप आगरा से लड़ लें। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव और सारी पार्टियों के लिए, ये देखिए ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी हारना नहीं चाहता है, बड़े नेताओं की हार अपने आप में कई तरीके की मैसेज देती है, पास्ट में आप देख लीजिए। तो पार्टी सारे के सारे लोग जो है ये बोलते हैं कि हाँ भाई बड़े नेताओं को एश्योर किया जाए कि वो हारे नहीं, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई और नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो। मैं वेलकम करता हूं, अगर राहुल गांधी गए हैं ठीक है, पक्ष विपक्ष का अटैक हो रहा है, अच्छी चीज है। कांग्रेस नहीं प्रेजेंट कर पा रही है उस चीज को उतने इफेक्टिव वे में, यही विपक्ष की सबसे बड़ी गलती या कमजोरी है, जिसका देखिए राजनीति में आपकी गलती आपको हरा देती है, आपकी मजबूती आपको उतना फायदा नहीं देती है। मैंने एक दिन बोला था मार्केटिंग नहीं मार्क कटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीजेपी बड़ी माहिर, देखिए ये तो मानना पड़ेगा, बीजेपी की यूएसपी है रणनीति बनाना, एग्जीक्यूट करना ग्राउंड लेवल पे। बीजेपी ने पूरा परसेप्शन ही ऐसे बना दिया कि ये भाग के जा रहे हैं और ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अब इसमें कोई क्या करेगा। साहब आप लोग विपक्ष से मेरा अनुरोध है, थोड़ा इंप्रूव करिए ना, अगर बीजेपी को मैनेज करना है। इन्होंने देश बंटवारे की बात की, इन्होंने आरएसएस के हैं ये, अशोक जी हैं आदरणीय हमारे, अशोक जी ने जो बात कही देश बंटवारे की, तो ये शायद ये भूल गए या बताना नहीं चाहते। सर सर नहीं, अभी मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आप उससे पहले भी बात करूंगा। 1937 में टू नेशन थ्योरी सरवरकर ने लगाई रखी थी, जिसको 1940 में मुस्लिम लीग के जिना ने एक्सेप्ट की, और 1942 में बाकायदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उप मुख्यमंत्री थे और मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री थे, वहां बंगाल विधानसभा में जब पास हुआ तो इन्होंने उसको जिना के साथी होते हुए कैसे ये बंटवारे के ऊपर उंगली उठा रहे, कौन योगदान है। पांच बार सरवरकर ने, पांच बार और पीछे कैसे 1937 से पहले भी जाइए। दिलीप जी का ऑडियो ठीक हो गया, आधा अधूरा इतिहास दिलीप जी को सुन जाता है। दिलीप जी आप कुछ काम कर रहे हैं, झूठे वादे किए,
जनता को गुमराह किए और प्रधानमंत्री बन गए। बाकी सारे नेता सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। आप आप जो बोल रहे हैं बाकी सारे नेता एकदम हरिश्चंद्र थे। मैं दूसरे नेताओं के टैग लाइन और उनके घोषणा वाक्य बताना शुरू करूं कितने अच्छे थे। बीएसपी के नेता कितने अच्छे थे। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं। सारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग माफी मांग मांग के जेल से भाग के चले आए। बीएसपी का क्या योगदान था देश की आजादी में? उन्होंने कुर्बानी दिया। उनका नाम बहन मायावती जी का भी योगदान था। इस हिसाब से तो उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था अगर ये पैरामीटर रख रहे हैं। अरे एके मिश्रा जी को सुन लेते हैं। एके मिश्रा जी को एक बात सुन लेते हैं। एके आप बोलिए। ठीक है एके। कोई बात नहीं कोई। चलिए एके आप बोले। देखिए राशिद मैं आपको बताऊं। आप बोलिए एके आप बोलिए। राशिद देखिए मैं आपको बताऊं। हमारी आपकी डिबेट हुई भी थी और सारे लोग ये मैं मानता हूं विपक्ष के पास ये मौका बहुत अच्छा है लेकिन मौका अच्छा होना नहीं। जैसे क्रिकेट में होता है ना आपने एक नो बॉल दे दी एक कैच छोड़ दिया एक फोर रन सिक्स रन छोड़ दिया। विपक्ष जो है इस मौके को बहुत अच्छी तरीके से जीतने में नहीं बल्कि गंवाने में लगा रही है। मैं मानता हूं कमियां बीजेपी में भी हैं लेकिन ये लोग इनको जो अपनी मार्केटिंग की जो आपने बात बोली थी अच्छे तरीके से ये उसको हैमर भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के जो मुद्दे हैं उनको कैसे इनकाउंटर किया जाए काउंटर अटैक कैसे किया जाए टीवी के माध्यम से अपने बातों को अपनी विचारधारा को कैसे रखा जाए अपने पैर पे ये खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर वहां गए पचासों लॉजिक ऐसे हैं जिसको कि कांग्रेस या विपक्ष वाले बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। मैं एक लॉजिक सिंपल सा दे रहा हूं भाई ये जनता का प्यार है कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी की बहार है इसलिए वो जा रहे हैं। इस तर्क से किसी ने रखा ही नहीं। मैंने बोला था मार्क कटिंग का कॉन्सेप्ट इस देखिए बीजेपी की खासियत क्या है प्लान बनाना एग्जीक्यूट करना अपने राइवल के ग्रोथ को होल्ड करना कंटेंट करना उनको निगेटिव फेज में लेकर के जाना ये सब चीजें जब तक ये लोग नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा कुछ भी हो जाए। और आप ही के टीवी पे डिबेट में मैंने बोला था गठबंधन बन गया है लेकिन तब भी मैं जीत की गारंटी नहीं देता हूं क्योंकि आगे आगे देखिए होता है क्या। गठबंधन बनना एक दूसरी चीज है उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज है। मैं वही हूँ जिसने 2014 में बोला था साफ हो गए तो साफ हो गए। मैं वही हूँ जिसने यूपी टाइम पे बोला था कि अभी नहीं लगता है आप किधर जा रहे हैं साफ हो गए तो साफ हो गए। मैं वही हूँ जिसने बोला था कि यूपी को ये साफ पसंद नहीं आएगा। मैं वही हूँ जिसने ये पहले बोला था कि हो सकता है बहन मायावती से चुनाव न लड़े। मैं यही हूँ आपको जानना है तो मैं ये भी बता दूंगा कि चलिए दिलीप जी को सुन लीजिए। हो गई चीज चिल्ला दिलीप जी को सुन लीजिए। I don't need any certificate from you, Mr. Lali. You got my point? अरे who are you? You just don't know. I don't need one from you. I know the level of your knowledge. आपको ये नहीं पता नहीं है कि two nation theory जो है कौन सी बार किसने दिया था कब दिया था? सिद्धि जी के पास में जाता है। ये Facebook या knowledge WhatsApp university में करके मत आया कहिए। ये Facebook या knowledge WhatsApp university में करके मत आया कहिए। सिद्धि जी के पास में चलते हैं। अरे यूपी इलेक्शन से मैं आपको सुन रहा हूँ आप चिल्ला रहे हो हम जीतेंगे हम जीतेंगे। सिद्धि जी के पास आप तो सर 5 साल से चिल्ला रहे हो हम जीतेंगे। कितनी बार जीता है मिश्रा जी? अरे लारी साहब आप जीत के आइए। ठीक है ठीक है। जो बैठ कर चुनाव करेंगे
जो चलिए हो गया, चलिए हो गया, एक बार देखिए चीख-चिल्लाहट हो गई, ठीक है पहले बहन मायावती जो कंपर्चा भरवाइए फिर चलिए ठीक है डैडी यू कम हियर टू मेक अ डिबेट चलिए ठीक है पॉलिटिक्स की बात ठीक है सिद्धश्री से भरने में तो हालत खराब हो रही है सिद्धश्री से जवाब ले लेते हैं ठीक है सिद्धश्री से भरने में तो हालत खराब हो रही है सिद्धश्री से जवाब ले लेते हैं नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है कोई सब लोग हैं अगर मुस्लिम वोट है तो क्या वो नागरिक नहीं है वो क्या नागरिक नहीं है ईसाई है तो क्या हमारे देश के सब नागरिक हैं 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी बनारस क्यों आए वो किस लिए आए यहाँ पे वो उन्होंने भी तो समीकरण साधा होगा वो चाह रहे थे कि हम यहाँ पे आके अपनी सरकार बनाए आप लोगों के लिए तो रोहिंग्या भी नागरिक है उनका भी वोट ले लीजिए किसी को भिजवा दीजिए उनकी बिहार में भी जितने लोग बैठे हैं उनके लिए रोहिंग्या भी देश के नागरिक है बांग्लादेशी भी देश के नागरिक है आप लोगों के लिए तो रोहिंग्या भी नागरिक है उनका भी वोट ले लीजिए किसी को भिजवा दीजिए उनकी बिहार में भी जितने लोग बैठे हैं उनके लिए रोहिंग्या भी देश के नागरिक है बांग्लादेशी भी देश के नागरिक है वहाँ से आप चुनाव लड़ लीजिए समीकरण आप क्या चाहते हो किसानों के साथ छलावा किया आपने छत्तीसगढ़ में राजस्थान में छलावा किया मध्य प्रदेश में किया आने वाले लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको विपक्ष के पास इतनी सारी चीजें हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अभी मैम बोल रही है जो कांग्रेस की है आपके पास इतने मुद्दे हैं आप अच्छी तरीके से रणनीति बनाइए इंप्लीमेंट करिए आप हरा सकते हो रोक सकते हो राहुल जी को भी सिखाइए मायावती जी को भी सिखाइए अखिलेश जी को भी सिखाइए आइए 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 बहुत बहुत देखिए मिश्रा जी बहुत राय दे रहे हैं हम लोगों को गठबंधन को कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए मैं मिश्रा जी को आपके चैनल पर चैलेंज करता हूँ कि चले जाए मोदी जी के पास और कहते कि जरा आजमगढ़ से लड़ ले कौन मैं कहते जरा मैनपुरी से लड़ ले नहीं मैं लड़ लूं कहते जरा इटावा से लड़ ले है मोदी जी के अंदर हिम्मत लड़ने की बड़ी वकालत कर रहे हैं मिश्रा जी बैठ करके गठबंधन क्या करता है ये राय देने वाले कौन थे हमारे गठबंधन को हमारे गठबंधन ने जो राय दे दिया है उसी राय पर मोदी देश साफ हो रहा है आज बड़े काबिल बन गया पता नहीं चले लड़ लो आकर हिम्मत बदल लो आपको भी पेट में लड़ लो हिम्मत बदल लो मोदी को भले शुरू लड़वा लो मोदी आपको भी बदल लो गठबंधन से मोदी को चलन से साफ ज्यादा मर से लड़ रहा है कॉपी मत करिए नकल मत करिए अपने लोगों की बात कीजिए अरे को रख को लड़े मैं दोबारा नहीं बता सकती है की जगह आप से लड़ आइए मनपुरी से लड़ लें अरे पहले ही बोला है ये चीज ना बात करने चले मिश्रा जी राय बात करने रहना है हमारे पास बहुत बड़े बड़े आज तक पहले ही इंडिया से बोले ना आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं क्या कहूं किसी को राय दीजिए यार सच जैसे आप हमारा नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं क्या कहूं मिश्रा जी बैठ गए आप भोकर में राय दे रहे हम लोग का जरा वहाँ जाके राय दीजिए ना कहाँ देखे आपको भी कितना बहुत करोड़ों रुपए दे करके हरवाड़ यूनिवर्सिटी लिया था ना क्या क्या करना चाहिए पता नहीं क्या करना चाहिए आप तो बात करिएगा बड़े बड़े लोग बताएंगे हम लोग पिछली बार भी पता नहीं किसने है
काम तो बोला नहीं, जो कुछ बोलते थे वो बोलती भी बंद हो गई। काम तो बोला नहीं, जो कुछ बोलते थे वो बोलती भी बंद हो गई। आप ऐसे ही राय लेते रहिए, बीजेपी को जिताते रहिए, आप ऐसे ही राय लेते रहिए और जिताते रहिए बीजेपी को, अपने विपक्ष को जिताते रहिए, अपने राइवल को अपने गलतियों से जिताते रहिए, अपने गलतियों से अपने राइवल को जिताते रहिए। खनन घोटाला और स्मारक घोटाला, दिलीप भाई इन बात का जवाब दे दो, एक ही दादा के दो पोते हैं, ईसाई और एक हिंदू। खून के ऊपर उंगली उठा दी जाती है। लारी साहब कौन कौन बदतमीज है, नाम ले दीजिए ना, शर्मा क्यों रहे हैं? अरे साहब आपके तेवर का मोदी को कह रहा हूं मैं साफ लफ्जों में, वो लेडीज के बारे में कैसे बात करता है? चलिए ठीक है, एमएच खान जी अंत में कुछ कहना चाहेंगे? कैसी बात कही, किसने बोला? गिरिराज सिंह ने क्या क्या बात कही, क्या किया उन लोगों ने? अरे साहब मैं वही क्या कर रहा हूँ, आप बता दो ना बदतमीज कौन है, बीजेपी वाले हैं कि नहीं? तो बदतमीजी सुनेगा नहीं, आप बीजेपी से पूछो ना, आप हम रिलेशन में नहीं जा सकते, किसका क्या रिलेशन है बदतमीज? चलिए ठीक है, डिबेट का वक्त पूरा हुआ। दिलीप जी, एके मिश्रा जी, सिद्धू श्री जी, एमएच खान जी, तारिक अहमद लारी जी, अशोक सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।